सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की परिवार पहचान पत्र के सर्वेक्षण में ड्यूटी लगाए जाने से उखड़े अध्यापकों द्वारा आज बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर करनाल के लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग की गई कि अध्यापकों की ड्यूटी इस सर्वेक्षण में न लगाई जाए, क्योंकि बड़े अरसे के बाद स्कूलों में छात्र आना शुरू हुए हैं। सर्वेक्षण में अध्यापकों के जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अध्यापक नेताओं ने मीडिया को बताया कि कोरोना काल के समय अध्यापकों की ड्यूटी अन्य कार्यों में लगाई गई थी, जिसको अध्यापकों ने बखूबी निभाया और कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भी अध्यापक घर से निकले। परंतु अब जब स्कूलों में बच्चे आने शुरू हो गए हैं और दोबारा से अध्यापकों की सर्वेक्षण में ड्यूटी लगाई गई है, जो कि बेहद निंदनीय है, क्योंकि इससे बच्चों के परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होंगे। अध्यापकों ने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार पहले 1000 से अधिक स्कूल बंद करने का फरमान सुना चुकी है। अगर अध्यापक स्कूलों में पढ़ाने नहीं आएंगे तो इस तरह अन्य स्कूल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजेंगे। इसलिए सरकार से मांग की जाती है कि इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए अध्यापकों की परिवार पहचान पत्र के सर्वेक्षण में ड्यूटी ना लगाई जाए। अगर सरकार उनकी बात पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला तहसीलदार राज बख्श के माध्यम से जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अध्यापक मौजूद रहे। आज हम यहाँ जो परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार ने, विभाग ने टीचरों की ड्यूटी सर्वे में लगाई है, आर्थिक सर्वे में, उसके विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और माननीय उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है। हम ये चाहते हैं कि इस ड्यूटी से प्राथमिक शिक्षकों को, जो BLO की ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि अब 11 मास के बाद अब स्कूल खुले हैं और ऐसे में जब 26 तारीख से पेपर शुरू हैं और सर्वे में ड्यूटी लगा दी गई है तो कैसे तो टीचर रिजल्ट दे पाएगा। और अब नया सेशन शुरू होने वाला है, पेरेंट्स के अंदर अब जो सरकारी स्कूल है उनके प्रति क्या जाएगा कि टीचर स्कूल तो रहता नहीं है, तो ऐसे में सरकारी स्कूलों में जो छात्र संख्या भी कम हो जाएगी। तो हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जो टीचरों की ड्यूटी है इस सर्वे से हटाई जाए, क्योंकि ये जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो पढ़ाई को तो बाधित करता है, स्कूल का जो माहौल है उसका भी राजनीतिकरण हो जाता है। अब किसी घर में जाएंगे, अब कौन अपनी पूरी डिटेल देगा टीचर को, OTP आएगा, OTP भी कोई देना नहीं चाहता, और ऐसे में शिक्षक के सामने बड़ी भारी समस्या आ चुकी है। तो यही हम इसी चीज़ के लिए आज यहाँ आए हैं, और अगर प्रशासन ने जल्दी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेंगे और ये प्रदेश लेवल का जो है कार्यक्रम चलाऊंगा। अध्यापकों का काम नहीं है सर्वे करना, लेकिन फिर करना लगाई गई है। देखिए, हम जब समय खाली था, बच्चे नहीं थे, तो विभाग ने जो हमारी ड्यूटी लगाई उसको हमने खूब ही निभाया है। और कोविड में, उस टाइम में जब लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, तब भी ड्यूटी की है, लेकिन अब हमारे पास बच्चे आ गए हैं, हमारे स्कूल खुल गए हैं, तो ऐसे में ये काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अध्यापकों, सरकार को अध्यापक फ्री नज़र आ रहे हैं कि फ्री बैठे हैं वो? देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये लगता है कि ये टीचर जो है वो फ्री है, क्योंकि अभी 1000 से ऊपर प्राथमिक स्कूलों को बंद किया है ये कह के कि इनमें छात्र संख्या कम है। और अगर ये स्थिति रही कि हम पढ़ाएं ना, दूसरे कामों में लगे रहें, और फिर तो पेरेंट्स तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डाल ले गए, ऐसे में स्थिति ये आ जाती है कि हमारे ऊपर जो विश्वास है सरकारी स्कूलों के ऊपर वो डगमगा जाता है। कितनी संख्या में अध्यापक इकट्ठे हुए हैं? देखिए, पूरे करनाल जिले में से ये करनाल ब्लॉक के, इसके करनाल और नीलोखेड़ी ब्लॉक के कुछ चुनिंदा साथी मास डेपुटेशन के रूप में आए हैं, और अगर विभाग या सरकार हमारी इस बात को नहीं मानता तो हम पूरे कर्नाटक जिले से हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ इकट्ठा होंगे और जिला सचिवालय में यहाँ पर हम धरना। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया? हमारे ज्ञापन लेने माननीय तहसीलदार महोदय राजबख्श जी आए थे, उनको ये कहा कि आप खुद सोच के देखिए, अब समय क्या समय आया हुआ है, इस समय में क्या लगता है कि हमें किसी प्रकार का सर्वे करना चाहिए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्रशासन से बात करेंगे, DC/ADC से बात करके और इस का हल निकालेंगे। मेरा नाम दीपक गोस्वामी, पूर्व महासचिव राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।